नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बढ़ते सड़क हादसों को ध्यान में रखकर यातायात के नियमों में निरंतर बदलाव किया जा रहा है। यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है, तो चालानों की रकम भी कई गुना बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में अब कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यातायात नियमों में एक अहम बदलाव किया है। इसके तहत अब 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। दरअसल कर्नाटक राज्य परिवहन विभाग के नए नियम के तहत सभी दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। जिनकी आयु 4 साल से अधिक है, टू व्हीलर वाहन से यात्रा के दौरान अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो उसके वाहन का चालान किया जाएगा। इतना ही नहीं, चालान के साथ उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द किया जाएगा। आपको बता दें, राज्य परिवहन विभाग ने भी सवारियों की सुरक्षा के लिए पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश जारी किया है। नियम के अनुसार केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनना चाहिए। कर्नाटक मोटर वाहन नियम के अनुसार राज्य में सभी बाइकर्स को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बता दें कि कर्नाटक सरकार का नया आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य में दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए अनिवार्य हेलमेट पहनने के नियम को सख्ती से लागू करने के निर्देश के बाद आया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।